निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर पहले फर्जी वोटिंग के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। देवबंद पुलिस ने फर्जी वोटिंग का किया खुलासा। फर्जी वोटिंग के षड्यंत्र में दो लोग गिरफ्तार किए गए, दो लोग फरार बताए गए हैं। भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी अब तक 150 से ज्यादा आधार कार्ड बनवा चुका है। ये जानकारी चौंकाने वाली। निकाय चुनाव के मद्देनजर फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे थे और ऐसे में फर्जी वोटिंग कार्ड बनाए गए। फर्जी आधार कार्ड सामने आते 150 से ज्यादा आधार कार्ड मिल चुके हैं। फर्जी वोटिंग के षड्यंत्र रचने वाले मास्टरमाइंड फरार हैं। निकाय चुनाव से पहले देवबंद में फर्जी वोटिंग के षड्यंत्र का ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस पर आप इस समय देख रहे हैं। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं और दो लोग फरार बताए गए हैं। फरार लोग सहारनपुर में कल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले यहां की देवबंद पुलिस ने फर्जी वोटिंग करवाने के एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया है। कल वोटिंग वाले दिन फर्जी वोट डलवाने की तैयारी थी और फर्जी वोट किस तरीके से डाले जाते हैं, फर्जी वोटिंग कार्ड बनाया जाता है, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए था। फर्जी आधार कार्ड के को लेकर ये जो तैयारी की गई थी इस पर बड़ी नकेल कसी गई है, बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और जाहिर सी बात इनका मास्टरमाइंड कोई और भी होगा। ये तार कहां तक गए सारी जांच जारी है। कि कल शाम देवबंद पुलिस को सूचना मिली कि आगामी नगर निकाय चुनाव में कुछ लोग फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड तैयार करके वितरण करवा रहे हैं। इस सूचना पर तत्परता से कार्य करते हुए कल रात्रि 10 बजे देवबंद पुलिस ने देवबंद डाक खाने के पास इंडिया फॉर्म सेंटर नामक दुकान है, वहाँ से दो अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया है और मौके से दो अभियुक्तगण भागने में सफल हुए। तो पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है, दो लोग भागने में सफल रहे, दो लोगों पर नकेल कसी गई है, दो लोग गिरफ्त में आए और इनसे इस समय पूछताछ हो रही है। एक बड़ा षड्यंत्र है। निकाय चुनाव के मद्देनजर फर्जी वोटिंग की तैयारी हो रही थी। 150 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बरामद होना और ये जाहिर संकेत दे रहा है कि बहुत बड़े नेटवर्क का यह खुलासा हुआ है जो फर्जी वोटिंग करवाने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में दो लोग गिरफ्तार किए गए, दो लोग फरार बताए गए और पुलिस की जांच जारी है। देवबंद से यह जानकारी सामने आ रही है, क्या यह कहीं और भी नेटवर्क फैला हुआ है? फर्जी वोटिंग कराई जानी थी निकाय चुनाव को लेकर। पुलिस की गिरफ्त में दो लोग आए जिनके पास से एक व्यक्ति के पास से 150 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और अब इनसे पूछताछ जारी है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जो गठन किया गया जो फरार है, ताकि दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।